हम सभी लेड एसिड बैटरी को इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि हम जो लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या होते हैं, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। लेड एसिड बैटरियां कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक को एक स्पेसिफिक डिस्चार्ज और चार्ज कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ अपना कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाए गए हैं। ये बैटरी विशेष रूप से एक स्पेसिफिक यूज के लिए डिजाइन किए जाते हैं और ये अति आवश्यक होता है कि हम अपना किसी भी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए सही बैटरियों का सिलेक्शन करें। अगर हम ऐसा करने में असफल रहें तो ये हमारे सिस्टम के आउटपुट के साथ साथ हमारे सिस्टम को डैमेज करने की कारण भी बन सकते हैं। बैटरी के कंस्ट्रक्शन और इनके इलेक्ट्रोलाइट के अनुसार इन लेड एसिड बैटरियों को कॉमनली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। एक है कोटेड लेड एसिड बैटरी और दूसरा है सील्ड लेड एसिड बैटरी। उन दोनों कैटेगरीज में से पहले हम कोटेड लेड एसिड बैटरी के बारे में जानेंगे। कोटेड लेड एसिड बैटरी क्या होते हैं? इस प्रकार के बैटरी वेंटेड और वेट सेल टाइप लेड एसिड बैटरी के नाम से जाने जाते हैं। ये बैटरियां लेड एसिड बैटरियों के कॉमन टाइप्स होते हैं और इनको ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में और आपके यूपीएस बैटरी के रूप में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं। एक फ्लोडेड लेड एसिड बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है और इसमें इन बैटरियों का इलेक्ट्रोड पूरे तरीके से इमर्ज्ड होके रहते हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाली लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड और पानी का मिक्सचर का एक सोल्यूशन होता है, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड लगभग 30-35% तक और पानी 65-70% तक रहता है। इन फ्लोडेड बैटरियों को चार्ज करते समय इनके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ऑक्सीजन और इनके नेगेटिव इलेक्ट्रोड से हाइड्रोजन गैसें प्रोड्यूस होने लगते हैं और इन दोनों गैसों के एक्सेस प्रेशर को बैटरी से बाहर निकालने के लिए इन्हीं बैटरियों में वेंटेड होल्स के अरेंजमेंट रहता है। और इस प्रकार के बैटरी जिन रूम या स्पेस में रहेंगे वो अच्छी तरह से वेंटेड होना चाहिए, वरना कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते ही पोटेंशियल एक्सप्लोजन होने की तरह रहता है, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों के रिलीज होने से वाटर लॉस होने की चांस बढ़ जाता है। इसलिए इस प्रकार के बैटरियों को रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है और इसके चलते इसी कारण से इंक्लूडेड लेड एसिड बैटरियों को बैटरियों में रूटीन चेक के लिए रिमूवेबल कैप्स दिए जाते हैं। सील्ड लेड एसिड बैटरी SLA बैटरियों को पूरी तरह से सील्ड कर दिया जाता है और उनमें कुछ सेफ्टी वेंट होते हैं जो एक्सेसिव इंटरनल प्रेशर से प्रोड्यूस होने वाली गैस को रिलीज करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार के बैटरी वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड या शॉर्ट फॉर्म में VRLA बैटरी के नाम से जाने जाते हैं। इस बैटरियों में फ्लोडेड बैटरियों की तरह सेम इलेक्ट्रोलाइट और केमिकल्स का इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रकार के बैटरी में एक सील्ड डिजाइन के अलावा VRLA बैटरियों के इलेक्ट्रोलाइट को कुछ मैकेनिज्म के द्वारा स्टेबल किया जाता है, जैसे कि बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट फ्री हो जाने की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। चार्जिंग के दौरान वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होते हैं और यही गैसों का कंटेनर के अंदर वाटर में रिकम्बाइन किया जाता है। इस प्रकार खूब कम मात्रा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट में जो पानी का कंटेंट रहता है वो अनचेंज रहता है और इस प्रकार फ्लोडेड बैटरी के तरह इन VRLA बैटरियों में रेगुलर मेंटेनेंस और पीरियडिकली डिस्टिल्ड वाटर से भरने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इन SLA बैटरियों को मेंटेनेंस फ्री बैटरियां भी कहते हैं। लेकिन ओवरचार्जिंग कंडीशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस से बैटरी के प्रेशर रिलीफ वाल्व से निकल जाते हैं और ये किसी भी टाइप के बैटरियों में कॉमन होता है। इन्हीं VRLA बैटरियों में स्थित इलेक्ट्रोलाइट को इमोबिलाइज्ड करने के लिए इन इलेक्ट्रोलाइट को सेपरेटर के हेल्प से सोख लिया जाता है, जिनमें मैटेड ग्लास फाइबर
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए बैटरी इन फ्लूडेड बैटरियों के तरह आसानी से सल्फेट या डिग्रेड नहीं होते हैं, यानी कि इस प्रकार के बैटरियों में सल्फेशन होने की चांस बहुत कम रहता है और इन बैटरियों का इस्तेमाल सेफ माना जाता है। इसलिए बैटरियां डिफरेंट टाइप्स में अवेलेबल होते हैं और ये उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वर्किंग प्रिंसिपल, प्लेट्स के क्वांटिटी और प्लेट्स के थिकनेस आदि को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलर फील्ड में इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉमनली SLA बैटरी दो टाइप्स के होते हैं, एक AGM यानी कि ऑब्जर्व ग्लास नट बैटरी और दूसरा एक जेल सेल यानी कि जेलिफाइड इलेक्ट्रोलाइट टाइप बैटरी होता है। कंपैरिजन बिटवीन FLA एंड SLA बैटरी, FLA बैटरी के केस में ये वो बैटरी होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड फॉर्म में यानी कि फ्लूडेड कंडीशन में होता है। इस प्रकार के बैटरियों का इस्तेमाल कुछ इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर होता है, जैसे कि इन बैटरियों का इनिशियल कॉस्ट लो रहना, हाई कोल्ड क्रैंकिंग एम्पियर्स, इम्प्रॉपर चार्ज वोल्टेजेस को अच्छी तरह से टॉलरेट कर पाना और हाई करंट के साथ रैपिडली अधिक परिमाण से चार्ज होने की एबिलिटी। हालांकि FLA बैटरियों की लोअर कॉस्ट उनके डिसएडवांटेजेस के साथ साथ कुछ हद तक एक बैलेंस्ड कंडीशन क्रिएट करता है। हाई मेंटेनेंस फ्रीक्वेंसी, लिमिटेड शिपिंग ऑप्शंस, लो साइकिल लाइफ और सेल्फ लाइफ शॉर्ट होने के कारण इन बैटरियों का सेकेंडरी कॉस्ट हाई रहता है। जो FLA बैटरी हैं वो रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल पर काम नहीं करते हैं, इस प्रकार उन्हें केवल सीधे इंस्टॉल किए जाते हैं और या फिर रखा जा सकता है। अदरवाइज लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल कर नीचे गिर भी सकता है और फिर करोजन के कारण भी बन सकता है। जब इन FLA बैटरियों को डिस्चार्ज कंडीशन में छोड़ दिया जाता है तो सल्फेशन या फिर लगातार ओवर डिस्चार्ज होने से इनका एक्टिव मटेरियल लॉस होने लगता है और इसके चलते फ्लूडेड लेड एसिड बैटरियां अपने कैपेसिटी को खो देते हैं और पूरी तरह से परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। SLA बैटरी के केस में SLA बैटरी मेंटेनेंस फ्री, लीक प्रूफ और पोजीशन इनसेंसिटिव होते हैं। इनका जो रिकॉम्बिनेंट डिजाइन सामान्य रूप से सील किए गए लेड एसिड बैटरी के लेड ऑक्साइड पॉजिटिव प्लेट पर प्रोड्यूस हुई ऑक्सीजन को लेड नेगेटिव प्लेट के द्वारा ऑब्जर्व करने की परमिशन देता है। ये नेगेटिव प्लेट पर हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन को भी कंप्रेस कर देता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें चार्जिंग के दौरान जनरेट नहीं होते हैं, हालांकि सिर्फ वाटर ही प्रोड्यूस होता है। रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन बैटरी के पानी के साथ कप अप के नीड को कम कर देता है और बैटरी को बिना लीकेज के किसी भी ओरिएंटेशन में स्प्रेड होने की कैपेबल बनाता है। SLA बैटरी भी इलेक्ट्रोलाइट का स्तरीकरण से कम अफेक्ट होती है, हालांकि इन बैटरियों के कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव रहता है। फॉर एग्जाम्पल AGM बैटरियां फ्लूडेड बैटरियों के तुलना में लगभग 3 गुना अधिक एक्सपेंसिव होती है। इस प्रकार के बैटरियों पर केयरफुली से चार्जिंग करने की और ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है और गलत तरीके से चार्ज करने से और पुअर थर्मल मैनेजमेंट से थर्मल रनवे होने का रिस्क बढ़ जाता है। इन बैटरियों का सेल्फ डिस्चार्ज रेट हर महीनों में अप टू 30% तक रहता है, यानी कि ये SLA बैटरियों को स्टोरेज के दौरान रेगुलरली रिचार्ज की नीड होता है। तो कुछ इस प्रकार के लेड एसिड बैटरी अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अवेलेबल होते हैं। आजकल वेरियस टाइप्स के लेड एसिड बैटरी आते हैं, उनमें से मैंने कुछ के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। और अगर आप बैटरी प्लेट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।